प्रदेश में नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद जहां पंचायत स्तर पर लोग अपनी पंचायत के टूटने व नई पंचायत में शामिल करने का विरोध जता रहे हैं, वहीं नई पंचायत के गठन को लेकर नई पंचायत पटेरा के लोगों ने नई पंचायत बनाने का स्वागत किया है। वहीं नई पंचायत पटेरा के निवासियों ने कहा कि कुछ लोग पुरानी पंचायत मोरसो सुल्तानी में रहने के लिए जिद पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर कर उपायुक्त हमीरपुर कार्यालय में नई पंचायत को बनाने के विरोध में ज्ञापन सौंपा था, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि नई पंचायत के गठन के लिए हमारे पास 650 लोगों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। पटेरा के स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार द्वारा नई पंचायत का गठन करना एक सराहनीय कार्य है, जिसका वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पंचायत पटेरा से लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए नई पंचायत का गठन जरूरी था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा ग्रामीणों के जाली हस्ताक्षर कर ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय में सौंपा है, जिसकी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, हम ग्राम पंचायत मोरसू से हुआ है, उससे नई पंचायत बनी है पटेरा। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी है कि ये पंचायत नहीं बननी चाहिए, बल्कि हमारी पंचायत जो है वो 15 किलोमीटर लंबे क्षेत्र से है। तो हम बाकी लोग आए हुए हैं यहाँ पे कि हमारी पंचायत अलग की जाए। जो हमें सूत्रों से पता चला है कि यहाँ से रेजुलेशन गया है कि ये पंचायत नहीं बनाई जाए, जबकि हमारे साथ 680 लोगों के सिग्नेचर हैं और जनसंख्या उससे ज़्यादा आई है, तो वो लोग हैं जो वोटर हैं। तो हमारी पंचायत तो बननी चाहिए, नहीं तो हम तो देखिए पहले तो सरकार की तरफ से क्या निर्णय आते हैं उसका हम इंतज़ार करेंगे, फिर हम अपने हिसाब से काम करेंगे। आज हम डीसी साहब से मिल रहे हैं, हम अपना ज्ञापन लाए हैं साथ में सभी गणमान्य लोग भी आए हुए हैं, तो अब देखते हैं डीसी साहब हमें क्या कहते हैं। तो जो इशू है वो तो हम अपना वहाँ पे सुझाव देंगे, ठीक है। वो तो सरकार वहाँ से डिसीजन क्या करके देती है वो लगेगा पता बाद में। हम तो अपना सुझाव भी दे सकते हैं, अगर हमारे हमारे विपक्ष में निर्णय आता है तो कोर्ट हमारे लिए रास्ता है। हम कोर्ट मीडिया के तहत हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि वहाँ पे कई लोगों ने लोगों को गुमराह किया है, कई लोगों के सिग्नेचर लिए हैं, जाली सिग्नेचर हैं। हमारे पास यहाँ भी लोग साथ में आए, उनके भी जाली सिग्नेचर वहाँ पे करवाए गए, तो ये तो बड़ा गलत है। ये तो 420 का केस भी लगेगा और वो भी हम लगाएंगे। ग्राम पंचायत मोरसो सुल्तानी की जो दूसरी पंचायत ग्राम पटेरा बनी है वो बिल्कुल जायज है, उसके लिए हमने गवर्नमेंट का धन्यवाद भी किया है और फिर गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व जो कि पंचायत में भी काम कर रहे हैं और कुछ गाँव से दो दो चार चार आदमी से उन्होंने दस्तखत करा करके लोगों को गुमराह करके और महिला मंडलों के दस्तखत गुमराह करके उन औरतों को कोई पता नहीं था किस चीज़ के दस्तखत हो रहे हैं। और यहाँ डीसी साहब से उन्होंने अपनी स्टंपिंग करके यहाँ पर जो विरोध किया कि ये मोरसो सुल्तानी ही रहनी चाहिए। लेकिन हम सारे ग्रामवासी हमारे 8 गांव हैं जो कि ये चाहते हैं कि पटेरा पंचायत बननी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है वो बहुत सही है और उचित है और ग्राम पंचायत पटेरा जो है बननी चाहिए। यह हमारा सबका जो है, हमने 600 आदमी के दस्तखत कराए हैं और हमारे 8 गाँव हैं, 8ों गाँव सहमत हैं। जो कुछ छिटपुट लोगों के दस्तखत कराएंगे बहुत जाली हैं, उनकी इंक्वायरी की जाए और उनके खिलाफ जो हम एफआईआर लॉन्च कराएंगे। पटवार सर्कल है, वेटनरी हॉस्पिटल है और पार्ला हमारा जो एरिया 8 गांव का उसके भी सेंटर में है, तो इसका जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन किया पहले वो बिल्कुल ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं कि गाँव पटेरा जो है ग्राम पंचायत बननी चाहिए, बहुत लाजमी है, बहुत जरूर है। और 50 सालों से लोगों की जो है वो डिमांड है। बाकी हम डीसी साहब से मिलने जा रहे हैं, आप डीसी साहब हमारा क्या मार्गदर्शन करते हैं उसके हिसाब से अगला काम किया जाएगा। पंचायत में क्यों गए हमें कोई पता नहीं, ना हमें किसी को बुलाया गया, ना हमें कोई पता है, वो पंचायत वाले जाने, लोगों को किसी को कोई पता नहीं, आए नहीं, हमें कोई पता नहीं कब आए कौन आए कोई पता नहीं। ये जो ग्राम पंचायत मोरसू है उसमें अकेला वाहिद सबसे सीनियर अफसर हूँ। हम बहुत सालों से पीछे पड़े हुए थे कि हमारी पंचायत लंबी चौड़ी है, धार बहुत लंबी चौड़ी है, आना जाना बड़ा मुश्किल है, 10-15 किलोमीटर अप एंड डाउन एक वन साइड पड़ जाता है, तो हम इसको अलग चाहते थे। ये हुआ और इसके लिए हम तहे दिल से जयराम साहब के शुक्रगुजार हैं। बट अभी सुनने में आया है कि कुछ इंसान जो बीच में ऐसे हैं साइड का, जो वहाँ रहता हूँ 24 घंटे, हमें तक मालूम नहीं था कि इसका विरोध हो रहा है, ये हो रहा है। कम से कम मुद्दे पर क्यों नहीं हमसे पूछा गया, हमें तो पता तो नहीं है। अब हमारे साथ जितने भी इंसान आए हैं, हमने 400-500 सिग्नेचर्स लिए हैं और उन सिग्नेचर के साथ में हमने मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर किसी को कोई शक है इन मोबाइल नंबर्स को डायल करके पूछ ले कि 500-600 इंसान जो हैं हमने कोई झूठे तो नहीं लाए हैं, कोई फ्रेब तो नहीं है, और हमें किसी भी हालत में ये अलग पंचायत चाहिए
और तभी हमारा कल्याण है, अदरवाइज ये हम पिछड़ा रह जाएंगे। और ये बड़े दुख की बात है कि आज तक कोई भी एमपी हमारे एरिया में विजिट नहीं किया। एक बार धूमल साहब आए थे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ फॉर दैट, लेकिन कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। इलाके का एमएलए भी जब इलेक्शन होता है उसके दौरान नज़दीक नज़दीक आते हैं, अदरवाइज देर इज नो डेवलपमेंट। सिर्फ दुनिया को बरगलाया जाता है और पॉलिटिकल हित साधने के लिए, वोट साधने के लिए ही आते हैं और कोई नहीं आते। पिछले इलेक्शन के बाद कोई नहीं आया उधर विरोध, कुछ इंसान तो विरोध करेंगे। मैंने कहा ना, प्रजातंत्र में विरोध करना आपका है। हम 1500 आदमी हैं, 1500 में से अगर 50 आदमी विरोध करेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका फैसला टल जाएगा, बदल जाएगा। हम तो कहते हैं रेफरेंडम करा लीजिए आप, हमारे 500-600 टेलीफोन नंबर्स के साथ में, टेलीफोन नंबर्स के साथ में हम सिग्नेचर्स लाए हैं इंसानों के। चाहिए, हम कोरोना काल है, हम सबको इकट्ठा नहीं करना चाहते, और मैं खुद भी नहीं आना चाहता क्योंकि मैं भी 50+ हूँ, 60+ हूँ। और आप रेफरेंडम करा लीजिए, बंदा भेजिए। और ये नहीं है कि चुप चोरी तरीके से मोरसू में बंदा भेज दिया, वहाँ से गोलमोल होकर चला गया, ऐसे नहीं होता है। आप देखिए, हमने तो मोबाइल नंबर आपको दिए, आप मोबाइल नंबर ट्रेस कीजिए। आप हम झूठ बोल रहे हैं तो पर बात गलत है। मोबाइल और हमारी पंचायत अलग होनी ही चाहिए, अदरवाइज हमारे इलाके का उद्धार नहीं होगा। और अगर ये नहीं करते हैं, किसी वजह से ही नहीं होता है, तो मेरी तो ये दरख्वास्त है कि कोई भी पार्टी वाला हमारे पास वोट मांगे ना।